Uh, very good morning all of you. How are you? I hope you will be fine and uh, today we will discuss about uh, elements of communication uh, system. In the previous topic, we uh, have introduction and uh, the three elements of the communication system which is uh, transmitter, receiver and channel. उसके बाद कुछ पॉइंट्स थे आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम दिस इज द की पॉइंट बैंडविथ ऑफ द सिग्नल्स एंड बैंडविथ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम तो सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांसमीटर व्हाट इज़ द ट्रांसमीटर जो शुरुआत में ही लगा रहता है फ्रॉम द इनपुट ऑफ द एनी सिस्टम ट्रांसमीटर प्रोसेस या ट्रांसमीटर प्रोसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल यानी जो इनकमिंग जो हमें मैसेज भेजना होता है वॉइस मैसेज टेक्स्ट मैसेज वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेज उसको प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग मैसेज सिग्नल टू एज टू मेक इट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन उसको इस तरीके से इनकोड करता है वो ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल हो इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू अ चैनल चैनल और मीडियम आ वायर और वायरलेस वायर में कॉपर और फाइबर वायर्स और वायरलेस में मीन्स थ्रू द एयर एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन कहाँ तक भेजता है वो रिसेप्शन तक भेजता है रिसीवर तक भेजता है सेकेंड पॉइंट इज रिसीवर रिसीवर एक्सट्रैक्ट्स द डिज़ायर्ड मैसेज सिग्नल अब ट्रांसमीटर से जो मैसेज डिलीवर्ड हुआ वो रिसीवर में आता है और उसे एक्सट्रैक्ट करता है मतलब निकालता है किसको निकालता है इनपुट मैसेज सिग्नल को फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल जो रिसीव्ड सिग्नल होते हैं उसके अंदर से इनपुट मैसेज सिग्नल को निकालता है टू द चैनल्स आउटपुट उस आउटपुट के चैनल को जो पूरा जो चैनल है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में उसके आउटपुट में देता है नाउ ऑटिनेशन ऑटिनेशन क्या होता है द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ अब सिग्नल स्ट्रेंथ को ऐसे मानेंगे कि कोई किसी की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है बट वो रिड्यूस हो के टेन uh, हर्ट्स हो गई या फाइव हर्ट्स हो गई तो ये उसका स्ट्रेंथ लूज uh, हो गया वाइल प्रॉपरगेटिंग थ्रू अ मीडियम मतलब ऑटोनेशन वो है कि जब हमने सिग्नल को प्रोपिगेट किया मीन ट्रांसमिट uh, किया किसी चैनल के थ्रू वहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी या स्ट्रेंथ का लॉस हो जाना उसको बोलते हैं ऑटोनेशन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लीफिकेशन वट इज एन एम्प्लीफिकेशन आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड किसका इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ मतलब एम्पलीट्यूड के साथ उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को हम यहाँ बोल सकते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देना ऑफ द सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड एम्पलीफायर यानी एम्पलीफायर का यूज़ करके हम किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड एन एम्पलीफिकेशन ये डायग्राम में भी शो है फर्स्ट में इसका हाइट देख रहे हैं इसकी कम है फिर सेकेंड में उसकी हाइट ज्यादा है दिस इज एम्पलीटूड और एम्पलीफिकेशन नाउ रेंज वट इज द रेंज इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशेंटली स्ट्रेंथ मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस है किसके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कि विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ उस सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीव किया जा सके कि आराम से जैसे कि आपकी जो आइज़ की जो रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वेंटी फाइव मीटर मींस या जो देख सकते हैं आप जो आइज़ की जो आप आ, आ, विजिबल रेंज है वो ट्वेंटी फाइव मीटर सेंटीमीटर है तो बोल सकते हैं कि दिस इज़ द रे, विज़िबल रेंज ऑफ योर आइज़ ठीक है ऐसे ही ऑडिबल रेंज ऑफ वॉइस की होती है ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तो ये रेंज हो गई तो इस तरीके से रेंज को समझा जा सकता है नाउ द मेन पॉइंट इज बैंड एक न्यू टर्म है आपके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में बैंडविथ वट इज बैंडविथ बैंडविथ रेफर्स टू द फ्रिक्वेंसी रेंज ओवर विच इक्विपमेंट ऑपरेट्स ऑफ द पोर्शन द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाई द सिग्नल अब इसको इस तरीके से समझेंगे मैं इसको स्लाइड को ऊपर ले जा रहा हूँ स्लाइडली ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है इसके बीच में जो फ्रिक्वेंसी रेंज है हंड्रेड हर्ट्स टू टू हंड्रेड हर्ट्स ये एक एग्जाम्पल ले लिया है ये जो पूरा स्पेस है जो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रिक्वेंसी इस चैनल पर जो है उसी को बोलते हैं बैंड विथ चाहे तो वो वायर्ड हो या वायरलेस हो मीन्स किसी वायर से कनेक्ट हो या वायरलेस से कनेक्ट हो उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं द स्पेस एक्ुपाइड बाय द बैंड विट्स विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है जो देखते हैं क्योंकि द ओरिजिनल जो सिग्नल होता है वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी होता है और उसको हमें बहुत दूर तक ले जाना होता है तो लो फ्रिक्वेंसी होगा तो एक टाइम पे क्या होगा कि उसकी सिग्नल uh, लॉस्ट हो जाएगा तो ऐसे में हमें मॉडुलेशन की ज़रूरत है मॉडुलेशन का क्या प्रोसेस है आ, मैं मैं समझाऊंगा इसमें द ऑरिजिनल लो फ्रिक्वेंसी मैसेज और इन्फॉर्मेशन सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस है ना या जो औरिजिनल हमारे जैसे मैं वॉइस है ये जो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको मैं यहाँ आगरा में बैठा हूँ और आप रात में बैठे हुए हैं तो अगर मैं सपोज़ करो कि मैं यहाँ से चिल्ला कर बोलूँ तो आप कि आप तक आवाज़ नहीं पहुंच जाएगी क्यों क्योंकि मीडियम क्या है एयर और जो मेरी वॉइस की जो फ्रिक्वेंसी uh, है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स है बट वो आफ्टर सम डिस्टेंस दे विल लॉस देयर स्ट्रेंथ एंड एम्बलीट्यूड ऑल्सो तो अब मॉडोलेशन में क्या होता है मैं बताता हूँ ऑफ रीज़न विच विल डिस्कस लेटर ऑन कि ऐसा क्यों होता है आगे बताएंगे बट यहाँ पर एक आइडिया है एट द ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर में क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन कंटेंड इन द लो फ्रिक्वेंसी मैसेज इज सुपरपोज ऑन द हाई फ्रिक्वेंसी वेव यानी लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल जो ऑरिजिनल मैसेज सिग्नल वॉइस टेक्स्ट और वीडियो सिग्नल होता है उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं किसके ऊपर अ कैरियर वेव विच हैविंग अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव हाई फ्रिक्वेंसी जिसकी हो उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं सुपर इम्पोज का मतलब ऐसा है मान लीजिए कि आप ट्रेन में हैं अगर आप पैदल जाएंगे दराड़ से दिल्ली तो नहीं पहुंच पाएंगे मुश्किल है लेकिन वहीं ट्रेन से जाएंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे तो यू आर द मैसेज औरिजिनल मैसेज एंड ट्रेन इज़ द कैरियर वेव है ना तो आप उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गए सो दिस इज़ द मॉडोलेशन मॉडुलेशन प्रोसेस में भी ऐसे ही होता है कि ऑरिजिनल मैसेज को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है और फिर वहाँ से डी कर दिया जाता है यानी कैरियर वेव अलग निकाल दी जाती है और औरजिनल मैसेज uh, अलग निकाल दिया जाता है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलेशन ओके सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मॉडुलेशन एम एफ एम और पी एम ए एम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एफ एम मीन्स फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन और पी एम मीन्स पल्स मॉडुलेशन यहाँ आप देख सकते हैं ये इनपुट मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर वेव है और ये जो सुपर इम्पोजिशन का जो डायग्राम है ये एफ का है मीन्स फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन का है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट डी द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी आउटपुट से इन्फॉर्मेशन को निकालना सुपर इम्पोजिशन सुपर इम्पोज किए हुए मैसेज uh, को निकालना इन्फॉर्मेशन मैसेज को निकालना उसको बोलते हैं डी मॉडिलेशन फ्रॉम द कैरियर वेव कहाँ से कैरियर वेव से ट द रिसीवर एंडीवर से इज टर्म्ड एज डिमोडेशन उसको बोलते हैं डी मॉडुलेशन और ये किसका प्रोसेस है जस्ट रिवर्स द प्रोसेस ऑफ मॉडलेशन मॉडुलेशन प्रोसेस का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ना ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिपीटर हमें रिपीटर की क्यों जरूरत पड़ती है रिपीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिसीवर एंड द ट्रांसमीटर रिपीटर पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर एम्पलीफाइज एंड रीटेड टू द रिसीव सम्रिक्वेंसी रिपीटर्स आर यूज टू एक्सटेंड द लार्ज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स कि आपने देखा होगा मोबाइल टावर, टावर्स जगह जगह लगे होते हैं क्यों लगे होते हैं कि उनकी रेंजेस लिमिटेड होती हैं तो ट्वेंटी किलोमीटर्स के एरिया में एक मीन्स uh, uh, टावर है लेकिन उसके बाद उसको सिग्नल को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना हो यानी मुझे यहाँ से आपको मैसेज मीन्स भेजने होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टावर्स होंगे यानी जो इनपुट मैसेज होगा वो एक टावर से दूसरे टावर जाएगा यानी मैसेज एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी जाएगी यानी रिपीट होती जाएगी उसको बोलते हैं हम रिपीटर्स ठीक है बीच में बहुत सारी हडल्स भी पड़ते हैं तो यूज़ रिपीटर्स स्टेशन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन और हम यूज़ इसको क्यों करते हैं उसकी कम्युनिकेशन की रेंज को बढ़ाने के लिए सपोज कीजिए कि की आपको आ, एक मोबाइल कंपनी खोलनी है और उसकी रेंज बढ़ानी है तो आपको पूरे इंडिया में टावर्स लगाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर वाइड रेंज सो दिस हेयर रिपीटर कैन बी यूज ना ऑन द कॉन्सेप्ट इज़ बैंडविड ऑफ द सिग्नल यानी कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस पिक्चर और कंप्यूटर डाटा मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज किस किसी भी फॉर्म का हो सकता है वॉइस का म्यूजिक का पिक्चर का और कंप्यूटर डेटा का ये फर्स्ट पॉइंट ईच ऑफ द सिग्नल्स हैज़ अ डिफरेंट रेंजेस ऑफ फ्रिक्वेंसी और हर एक जो मैसेज है उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम नीडेड फॉर अ गिवन सिग्नल डिपेंड्स ऑन द बैंड फ्रीकुंसी विच इज़ कंसिडर्ड एजेंशियल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस और वो किस टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिपेंड करता है उस सिग्नल के बैंड विथ पर बैंडविथ की फ्रिक्वेंसी पर हुँ? और बैंडविट तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि इट इज़ द बैंड द एरिया कवर्ड बाय बाई दैंडविथ बिटवीन रिसीवर्स एंड टू द ट्रांसमीटर एंड तो वो पूरा बैंडविट रेंज होता है तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का सिग्नल है ना

एक हिसाफ आइडिया में देखें तो थर्टी वन हंड्रेड हर्ट्स टू थर्टी थ्री हंड्रेड हर्ट्स फॉर अ कॉमर्शियल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन अगर आप स्पीच के बाद टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो अगर हम बात करेंगे तो हमें इतनी फ्रिक्वेंसी चाहिए यानी इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए उस सिग्नल की मीन्स वाइस सिग्नल की स्पीच सिग्नल की नाउ टू ट्रांसमिट म्यूजिक एंड अप्रोप्रियट बैंडविड्थ टू किलो हर्ट्स मीन्स ट्वेंटी थाउजेंट हर्ट्स इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज जो फ्रिक्वेंसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से निकलती हैं वो बहुत हाई होती हैं इस वजह से जो वॉइस uh, सिग्नल होते हैं या म्यूजिक सिग्नल होते हैं मेनली uh, बहुत हाई होते हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंट हर्ट्स और नेक्स्ट पॉइंट में द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी एक्सटेंड फ्राम ट्वेंटी हर्ट्स टू तो ट्वेंटी किलो हर्ट्स आपको मालूम है कि ये ऑडिबल रेंज है बिलो इससे इंफ्रास्टोनिक और अबव अल्ट्रासोनिक ठीक है ना वीडियो सिग्नल फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ अ पिक्चर रिक्वायर्ड अबाउट फोर पॉइंट टू मेगा हट्स ऑफ बैंड बैठते यानी उसकी फ्रिकुवेंसी रेंज होनी चाहिए फोर पॉइंट टू मेगा हट्स किसी वीडियो सिग्नल की क्योंकि उसके अंदर क्या होता है वीडियो पिक्चर प्लस ऑडियो दोनों होते हैं तो मेगा हट्स में ये इसकी फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है टी वी सिग्नल कंटेन्स बहुत वॉइस एंड पिक्चर इट इज़ यूजली एलोकेटेड बाई सिक्स मेगा हट्स तो उस फ्रिक्वेंसी की रेंज होनी चाहिए मेगा हट्स में सिक्स मेगा हट्स और बैंड विथ फॉर ट्रांसमिशन उसकी बैंड विथ ट्रांसमिशन के लिए सिक्स मेगा हट्स उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए नाउ आप देख लेते हैं इन प्रसीडिंग पैराग्राफ वी हैव कंसिडर्ड ऑनली एनालॉग सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स होते हैं कंटिन्यूस सिग्नल है ना विच इज़ नॉट डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग नहीं होते हैं कंटिन्यूस uh, सिग्नल होते हैं जस्ट लाइक सैनोसोडियल वेव फॉर्म डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ रैक्टेंगुलर वेव फॉर्म रेक्टेंगुलर मतलब डिस्क्रीट होते हैं वो टाइम की हर एक uh, मतलब लिमिट uh, हर एक वैल्यू पर उसको डिफेंड नहीं होते बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफेंड होते हैं सो वन कैन शो द रेक्टेंगुलर वेव बी डिकम्पोज इंटू सुपर इम्पोजिशन ऑफ सैनोसोडियल वेव फॉर्म यानी यानील हमारी वेव फॉर्म है वी नॉट टू वी नॉट थ्री वी नॉट फोर वी नॉट एंड वी नोट वेयर एन इज अ इंटीजर एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एंड वी नॉट इज टू वन अपॉन टी नॉट यहाँ वी नॉट क्या फ्रिक्वेंसी है और आपको मालूम है कि वी नॉट किसके इक्वल होता है वन अपॉन टी यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है ना तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेज टाइम तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ए एक रेक्टेंगुलर है सी एक हारमोनिक साइनोसोडल वेव है बी भी हारमोनिकोडल वेव है और डी भी हारमोनिकाइनोसोडल वेव है तो हम पढ़ लेते हैं इस ग्राफ के बारे में कहाँ तक जाए माइनस वन फिर पॉइंट फाइव जीरो फिर पॉइंट फाइव फिर वन फिर वन पॉइंट फाइव वोल्टेज ओके तो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म इन टर्म्स ये वेव फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल साइन वेव यानी साइन वेव के रिस्पेक्ट uh, में ये इसको बनाया गया एंड इट्स हारमोनिक्स हारमोनिक्स मीन्स आपने हारमोनिक्स पढ़ा होगा ए पी जी पी एच पी में ए टू ए थ्री ए फोर ए ऐसे यहाँ पर वी टू वी नॉट टू वी नॉट थ्री वी नॉट सो यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फंडामेंटल वी नॉट यानी जो हमारा सिग्नल है सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फंडामेंटल वी नॉट प्लस सेकेंड हारमोनिक मतलब दूसरी वेव फॉर्म बन रही है डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट प्लस सेकेंड वेव सेकेंड हारमोनिक टू वी नॉट प्लस थर्ड हारमोनिक यानी थ्री वेव फॉर्म्स बन रही हैं नाउ इन दिस फिगर दैट टू रिप्रोड्यूस द रेक्टेंगुलर वेव शेप एग्जैक्टली वी नीड टू सिंपल इंपोज ऑल ऑफ द हारमोनिक यानी जो रेक्टेंगुलर वेव है डिजिटल रेक्टेंगुलर वेव है वो सुपर इंपोज हो रही है किसके ऊपर हार्मोनिक्स के ऊपर वी नॉट टू वी नॉट थ्री वी नॉट फोर वी नॉट विच एम्प्लाइज एन इन्फाइनाइट बैंडविड जो इंप्लाइज करती है यानी एन वी नॉट तक क्या इन्फाइनाइट बैंडविड थे उनकी अब इन प्रैक्टिकल पर्पस द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हायर हारमोनिक्स कैन भी नेगलेक्टेड यानी टू वी नॉट थ्री वी नॉट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल मैनर दस लिमिटिंग द बैंडविड्थ इससे क्या होगा कि जो हमारी इन्फाइनइट बैंडविड्थ आ रही है वो इन्फाइनट नहीं आएगी एक लिमिटेड uh, उसकी वैल्यू आएगी एज अ रिजल्ट रिसीव्ड वेव आर आर डिस्टॉटेड वर्जन जिससे हमें एक जो रिसीव्ड सिग्नल आएगा एक डिस्टॉर्टेड वर्जन होगा अब उससे क्या होगा इफ अ बैंडवेट इज़ अ लार्ज इनफ अगर बैंडवेट बहुत ज़्यादा है टू अकोमोडेट अ फ्यू हारमोनिक्स फ्यू हारमोनिक्स को उसको एकोमोडेट करने की क्षमता है द इन्फॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट है ना अगर बैंडवेड ज़्यादा है और कुछ ही हारमोनिक्स हमें ट्रांसफ़र करने हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगी एंड रेक्टेंगुलर सिग्नल इज़ मोर और लेस रिकवर्ड और जो रेक्टेंगुलर सिग्नल को हमें रिकवर करने की कम आवश्यकता पड़ेगी दिस इज सो बिकॉज द हायर द हारमोनिक लेस इज़ द कंट्रीब्यूशन टू द वेव फॉर्म इसकी वजह से जितने ज़्यादा हारमोनिक होंगे लेस इज द कंट्रीब्यूशन टू द वेव फॉर्म यानी वेव फॉर्म को बनाने में कम मीन्स uh, उसको कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा ओके सो थैंक यू वेरी मच